अस्सलाम वालेकुम सेकंड स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.1 का आखिरी वीडियो लेक्चर है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। दो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट और बी पार्ट, वो हम दोनों सॉल्व करेंगे और हमारा आज से ये जो एक्सरसाइज 14.1 है इंशाल्लाह कम्प्लीट हो जाएगी। सो लेट स्टार्ट, स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। अ पेयर ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दी हुई है, एक्स की वैल्यूज दी हुई है, वाई की वैल्यूज दी हुई है। डिटरमिन द लीस्ट स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी y ऑन x भी फाइंड करना है और एस्टिमेट करनी है y की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 6। फिर लीस्ट स्क्वायर लाइन या रिग्रेशन लाइन दूसरी फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, यानी x ऑन y भी फाइंड करनी है और इसमें हमने एस्टिमेट करनी है वैल्यू y की व्हेन x हैट इज इक्वल टू 6, और जो कि यूजलेस होता है क्योंकि मैंने ये आपको बताया था कि रिग्रेशन लाइन जो है हमें हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने की ये हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम x हैट की वैल्यू पुट करेंगे तो वो प्रिडिक्शन ठीक नहीं होगी, इसको हम यूजलेस प्रिडिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन ले लेते हैं इसका। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है x और y, उसको कॉलम फॉर्म में लिखें और यहाँ से हम अपने कॉलम्स बना लेते हैं, एक्स वाई का, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का। तरीकाकार वही है, x और y के वैल्यूज को प्रोडक्ट कर लेंगे तो एक्स वाई बन जाएगा 13 3 39, फिर 2 9 18, फिर इसी तरह 5 27 135 एंड सो ऑन। पॉइंटर चेंज कर लूं, फिर एक्स स्क्वायर यानी एक्स के तमाम वैल्यूज का स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 2 का 4, 5 का 25, 1 का 1 और 4 का 16। सिमिलरली वाई का ले लें स्क्वायर, 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169, 9 का 81, 27 का 729, 8 का 64, 18 का 324। टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम वैल्यूज अपना गिवन डाटा बना लेते हैं और उसके बाद हम रिग्रेशन लाइंस फिट करते हैं। तो ये हमारा गिवन डाटा आ गया, हमारे पास सम्स आ गए। पहले रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स बना लेते हैं। अगेन ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सॉरी लेट वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बी द रिक्वायर्ड लाइन। फिर रेलिवेंट डाटा पुट करेंगे इसमें और यहाँ से हम बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ गई हमारे पास 4.7। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, ये आपको पता है कि किस तरह वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना होता है। अब हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई बार माइनस बी एक्स बार, x बार की वैल्यू आ गई 3, y बार की वैल्यू हमारे पास 15, वैल्यूज पुट कर दें तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.9। अब हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी, सो रिक्वायर्ड लाइन इज y हैट इज इक्वल टू 0.9 प्लस 4.7x। ठीक हो गया। फिर अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू को एस्टिमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू 6, सो पुट x इज इक्वल टू 6 इन अबव इक्वेशन, तो y हैट की वैल्यू आ गई हमारे पास 29.1। अब हम रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे बी ऑन एक्स ऑन वाई, सो रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई इज देयर, लेट एक्स बी द एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई बी द रिक्वायर्ड लाइन। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, पहले बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास आ गई 0.194। अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे और ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.09, सो हैंस x हैट इज इक्वल टू 0.09 प्लस 0.194 y। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने कहा था x हैट की वैल्यू 6 पुट करनी है, सो पुट x हैट इज इक्वल टू 6, यानी इस इक्वेशन में x हैट की जगह 6 पुट कर देंगे, सो 6 इज इक्वल टू 0.09 प्लस 0.194 y। अब ये देखें 6, ये 0.09 का प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा और 0.194 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ गई 30.46, विच इज़ अ यूजलेस प्रिडिक्शन। यानी ये हमें पता है कि जब हम रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई करते हैं या वाई ऑन एक्स करते हैं तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रिडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन हम यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा हमने वैल्यू तो निकाल दी 30.46, बट इट इज़ अ यूजलेस प्रिडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट ये रहा आपके सामने। गिवन डाटा दिया हुआ है, एन की वैल्यू दी हुई है 10, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 170, समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 140 और समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कोवेरियंस की वैल्यू दी हुई है 92। और फाइंड क्या करना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगेन सिंपल सा है, देखें फार्मूला हमने देखना है कौन सा लगेगा गिवन डाटा के मुताबिक। यहाँ पर ये वाला फार्मूला लग रहा है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी ये बी वाई ऑन एक्स के लिए और ये वाला बी एक्स ऑन वाई के लिए। जस्ट फॉर्म में पुट करने और वैल्यूज आ जाएंगी।
तो रेलिवेंट फार्मूला लिख लेते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट का, बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वैल्यूज दी हुई है 92/170, आंसर आ गया 0.54। सिमिलरली दूसरा रिग्रेशन वाई रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स ऑन वाई, तो नीचे वाई का आ जाएगा डाटा, यानी वाई माइनस वाई बार स्क्वायर का सम डाल देंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, सो 92/140 विच इज इक्वल टू 0.66। पार्ट नंबर टू, अब पार्ट नंबर टू में जो गिवन डाटा दिया है उसमें हमें स्टैंडर्ड एशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड एशन वाई दी हुई है, इसका मतलब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वेरियंस ऑफ एक्स। सिमिलरली यहाँ पे वेरियंस ऑफ वाई वाला यूज करेंगे, तो गिवन डाटा के मुताबिक हम फार्मूला पुट कर देते हैं। सो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ गया, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है उसको हम वेरियंस निकाल लेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास वेरियंस आ जाता है। अब हम फार्मूला पुट कर देते हैं, सो बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ एक्स। तो हमने समेशन दिया हुआ था, हमें वो दिया हुआ था 148 और वेरियंस ऑफ एक्स हमने निकाल लिया 62.93, डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2.35। सिमिलरली अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की मदद से वेरियंस ऑफ वाई पहले निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इज इक्वल टू 16.627, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 276.46। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ वाई, सो आंसर इज 0.54। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर बी का लास्ट पार्ट। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 14.1 आज अपनी कंप्लीट कर ली है। मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, शायद एक आधा को पार्ट या क्वेश्चन नहीं करवाया होगा, लेकिन अगर आपने ये सारे वीडियो लेक्चर अच्छे तरीके से देख लिए तो उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने हर तरह के सवाल किए, वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए हैं जिसमें गिवन डाटा दिया होता है उसके मुताबिक फार्मूले को अप्लाई किया, कैसे रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, फिर उस रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की मदद से हम आगे रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं, ठीक है, और वैल्यूज को एस्टिमेट करते हैं। इसी तरह हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, सारा कुछ पढ़ा। तो इंशाल्लाह आपसे अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो एक्सरसाइज 14.2 यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़। और एंड पे आपको बार बार हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।